पिछले महीने की 21 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे और तब से ही उनकी आम आदमी पार्टी संकट के बादलों में घिरती जा रही है। दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर पहले ही पार्टी के आधे से ज्यादा सांसद सलाखों के पीछे हैं और अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी टूटने की कगार पर है। हाल ही में आपके इकलौते सांसद सुशील कुमार रिंकू भी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इसके अलावा 10 में से 7 सांसद गायब हैं या खामोश हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अब मुश्किल से एक हफ्ते का समय बचा है। तमाम राजनीतिक दल अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, हर पार्टी जनता के पास जा जाकर अपने लिए वोटों की अपील कर रही है, तो वहीं एक राष्ट्रीय पार्टी ऐसी भी है जो इस बार चुनाव प्रचार की जगह अपने लोगों को बचाने में लगी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, जिसके कई बड़े नेता और पार्टी संयोजक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। अपने नेताओं को बचाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन प्रदर्शनों से पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता गायब है। पार्टी के 10 सांसदों में से सिर्फ 3 ही सांसद पार्टी के लिए आवाज उठाते दिख रहे हैं। जिस तरह के आरोपों में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, कुछ वैसे ही आरोप आप सांसद संजय सिंह पर भी लगे थे, लेकिन कुछ दिन पहले वो जेल से बाहर आ चुके हैं और आते ही खुलकर बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। संजय सिंह इस वक्त पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बनते जा रहे हैं। उनके पीछे स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना भी पूरा मोर्चा संभाले हुई है। इनके अलावा संगठन महासचिव संदीप पाठक और एनडी गुप्ता भी लगातार बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 महीने बाद जेल से बेल पर बाहर आए आप सांसद से जब बीजेपी में गए रिंकू के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि पार्टी इस बारे में जरूर चर्चा करेगी। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल ये है कि राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, संजीव अरोड़ा, बलबीर सिंह सिंचेवाल और विक्रमजीत सिंह साहनी जैसे बड़े सांसद कहां गायब है? वो क्यों अपनी पार्टी के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं? जेल में बैठे हुए अरविंद केजरीवाल भी सोच रहे होंगे कि आखिर हुआ क्या है उनके सांसदों को, क्यों वो केंद्र सरकार के खिलाफ चुप्पी साधे हुए हैं? तो चलिए एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि कहां है आपके माननीय सांसद और क्यों वो विरोध प्रदर्शन से किनारा करके बैठे। सबसे पहले बात करें आम आदमी पार्टी के सबसे मुखर नेता और पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की, तो ये माननीय पिछले महीने अपनी आंख की सर्जरी के लिए लंदन गए थे। पहले उनके मार्च के अंत तक वापस लौटने के बारे में बताया जा रहा था, लेकिन 21 मार्च को जैसे ही केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, इन जनाब का वापस लौटने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। हालांकि इनकी पत्नी और बॉलीवुड की हीरोइन परिणीति चोपड़ा देश वापस लौट आई हैं, लेकिन राघव अभी लंदन में ही हैं। वो सोशल मीडिया पर पूरी तरह एक्टिव हैं और संजय सिंह के जेल से वापस आने पर खुशी भी जाहिर कर चुके हैं। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए ही पार्टी के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टरों ने उनकी सर्जरी के बाद उन्हें धूप से परहेज रखने के लिए कहा है, इसलिए उनके वापस आने में देरी हो रही है। वहीं पार्टी के कुछ नेताओं का दावा है कि वापस आते ही राघव चड्ढा पार्टी के साथ खड़े होंगे और हर एक्टिविटी में शामिल होंगे। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हाल ही में आम आदमी पार्टी की ओर से पहली बार सांसद बनी स्वाति मालीवाल की, जो इन दिनों अमेरिका में है। वहां उनकी बहन का इलाज चल रहा है, इसलिए सोशल मीडिया के जरिए लगातार अपनी पार्टी के साथ खड़ी है और पोस्ट कर रही है। इस पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के कई नेता केजरीवाल का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल ने इन आरोपों का खंडन किया है। इसके बाद बात करते हैं पंजाब से आपके राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह की। वो भी पार्टी की किसी एक्टिविटी में शामिल होते नजर नहीं आ रहे हैं, ना ही उन्होंने पार्टी के संयोजक केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कोई बयान दिया था। आईपीएल को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन पार्टी को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक और सांसद अशोक कुमार मित्तल भी इसी तरह पार्टी के प्रदर्शनों से दूर रहे और ना ही कोई बयान दिया। उनके मुताबिक पार्टी की तरफ से आयोजित विरोध प्रदर्शनों में उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया गया। पंजाब के एक और सांसद संजीव अरोड़ा से जब पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन लगातार पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में हूं। दिल्ली में आकर केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी मुलाकात कर चुका हूँ। मैंने हमेशा मुझे दी गई जिम्मेदारियों को पूरा किया है।
अगर मुझे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को कहा जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। आम आदमी पार्टी के पंजाब से सांसद बलबीर सिंह सीचेवाल को भी पार्टी ने किसी विरोध प्रदर्शन में नहीं देखा। जब उनसे पार्टी को बीच मझधार में अकेले छोड़ अलग चलने की राह के बारे में पूछा गया तो जनाब कहते हैं, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ। अगर आगे कोई ऐसी प्लानिंग होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। और इसी तरह पार्टी के एक और सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी भी पार्टी की हर मूवमेंट से किनारा ही करते नजर आए। साहनी साहब भी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चुप रहे और विरोध प्रदर्शनों से भी दूर रहे, लेकिन उनके अपने सारे काम होते रहे। इन सभी सांसदों के बयान देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें पार्टी की जरूरत नहीं है, बल्कि पार्टी को इनकी जरूरत है। इनका कहना भी सही है, पार्टी बुलाएगी तो जरूर आएंगे, बिन बुलाए गए तो कहीं ईडी इनके भी पीछे ना पड़ जाए। जान है तो जहान है भाई, पार्टी के काम तो चलते रहेंगे, पहले खुद को शराब घोटाले से जुड़े दाग से दूर रखना भी तो जरूरी है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए जरूर देखते रहें श्रेष्ठ भारत। नमस्कार।